हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव में मंदिर पर मचा घमासान। ये बुधवार रात की शाम को घटना है हमको मारने का। मंदिर के पुजारी ने कहा मंदिर को बचा लो। मंदिर की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। जी हाँ, उन्नाव में हनुमान जी के मंदिर के लिए इस समय हंगामा मचा हुआ है। देखिए महिलाओं की इस भीड़ को देखिए। ये उन्नाव के अचरगंज थाना क्षेत्र के कुरारी मोड़ के पास बने बालाजी मंदिर के पास महिलाओं की ये भीड़ जमा है। महिलाएं यहाँ के पुजारी पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं। लोगों की भीड़ के सामने मंदिर का पुजारी अकेले चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने गांव के लोगों के आरोपों की जब हकीकत बताई तो सब हैरान रह गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस हंगामे की वजह अमर सस का प्रधान है। ये भीड़ प्रधान ने जुटाई है और भीड़ का मकसद उनके ऊपर झूठे आरोपों को मरना है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये सारी साजिश महज इसलिए रची गई है ताकि जिस मंदिर में रहकर वो भगवान की सेवा करते हैं उसके आसपास की जमीन को गांव के कुछ लोग हथिया सके। यहाँ मामला जमीन कब्जा करा रहे हैं ग्राम प्रधान अमर सत। नाम क्या है इनका? नाम नितिन शर्मा, लोग जितेंद्र शर्मा है लेकिन नितिन लोग कहते हैं। ये मंदिर 40 वर्ष पुरानी है और बंद जीर्णोद्धार मैंने कराया है। अष्टभुजा विंध्याचल मिर्जापुर से आगे जा रहे थे, उन्नाव यहाँ रुक गए ब्रह्मानंद सबके सहयोग से। ये उस समय भी विरोध किए थे लेकिन थाना अचलगंज के सहयोग से, प्रशासन के बल से और जनता के सहयोग से ये मंदिर बरकरार बन गया। पूरी जनता यहाँ पूजा पाठ करती है, आती जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये गवर्नमेंट सरकार PWD खाली करा रही है इन गुमटियों को। ये जबरदस्ती मंदिर के अंदर झंडा तोड़ के, फूल पत्ती काट के तोड़ के सामने पड़ी हुई है। कोई भी तत्काल अभी देख सकता है, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई भी बराता देख सकता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। और समाज में ये लोग तोड़ फोड़ रहे थे, हम बाजार से आए, मैंने पूछने गया भाई क्यों तोड़ रहे हो, हमारे ऊपर सब बल से मारे लोग। किसी तरीके से थाने पर मैं गया और थाने पर जाके FIR किया। 10 बजे डॉक्टरी हुई, 10 बजे मैंने आया, रात में मेरी मड़ई भी जला दी गई। और ये बुधवार रात की शाम को घटना है हमको मारने का। बृहस्पतिवार को मैं डॉक्टरी का कागज लेने गया तो कंप्लेन किया कि मड़ई भी जल गई। दरअसल भगवान बालाजी की सेवा में लगे 70 साल के बुजुर्ग बाबा ने बताया कि यहाँ पर मंदिर के आसपास की जमीन पर उन्होंने फुलवारी बना रखी है जिससे मंदिर पर फूल चढ़ाने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन अब गांव के कुछ लोगों की नज़र इस जमीन पर टेढ़ी हो गई है। बाबा ने अमर सस के प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो मंदिर में नहीं थे उस दिन गांव के रहने वाले धर्मपाल, मछलीलाल, रामकिशोर, सुनील और अमर सस के ग्राम प्रधान ने मिलकर मंदिर के पास पड़ी जमीन की फुलवारी को उजाड़ दिया और वहां पर जबरदस्ती अपनी गुमटी रखने लगे। इसी दौरान बाबा वहां पहुंच गए। बाबा ने जब इसका विरोध किया तो बाबा के ऊपर इन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद साजिशों का दौर शुरू हो गया। बाबा जब इस मारपीट में आई चोटों का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा तो इसी दौरान बाबा की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और इसके साथ ही बाबा की झोपड़ी के आसपास कच्ची शराब, शक्तिवर्धक दवाओं के पत्ते डालकर सुबह मीडिया बुलाकर भीड़ जमा कर बाबा के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन इन आरोपों की पोल वहाँ के ही कुछ लोगों ने खोल दी। लोगों ने बताया कि ये सारी साजिश है, बाबा निर्दोष है। डॉक्टरी का कागज लेने गया तो कंप्लेन किया कि मड़ई भी जल गई है। उसके बाद ये आज सोमवार के दिन ये लोग मीडिया बुला के अपना वहाँ जो मड़ई जल गई है वहाँ मुर्गा का पाख रख के, हड्डी मुड्डी रख के, सीसी दारू की रख के, नाना प्रकार की टैबलेट रख के ये लोग फोटो ले रहे हैं तो मीडिया को दिखाए, ये औरतों को बटोर के। मैं ये कह रहा हूँ मड़ई जल गई है, मुर्गा का पाख नहीं जला। इतनी बड़ी मड़ई जल गई, अब मुर्गा का पाख नहीं जमा। कैसा मुर्गा का पाख ये लोग रख दिए थे जो इन लोगों की माचिस की तिनकी से मुर्गा का जब पाख नहीं जला तो हो सकता है भगवान का धर्म खाता इन लोगों के तोड़ने से नहीं टूटेगा। हमारा उम्मीद भारत माता पर, भगवान हनुमान जी पर है कि ये जमीन बरकरार रहेगी, निश्चित रहेगी। सनातन धर्म का मर्यादा होगा, मुझे भरोसा है और भरोसा रहेगा और मेरा प्रशासन पर भी भरोसा है, सब पे भरोसा है। क्या चाहते हो?
मैं चाहता हूं कि ये जमीन के अंदर मंदिर परिषद के अंदर किसी का कोई अवैध काम न हो, ये हमारी मंदिर बरकरार रहे, हम रहे या न रहे। हमको लोग हैं ये जो जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, ये ग्राम प्रधान मुख्य आग लगाया सामने मुख्य। नाम क्या है? नितिन। वहीं अब बाबा ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है, इसके साथ ही उन्होंने एसपी ऑफिस में भी मदद की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिवर्सिटी।